मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हड़कंप मचा हुआ है। यहां मगरद्धा रोड पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उन्होंने हिला दिया। आग ने आसपास के घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में अभी तक 11 लोगों के मरने की खबर है। इसमें 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि CMHO ने की है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बताया गया है कि 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 17 गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम भेजा गया है। दूसरी ओर हरदा में हुई इस घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में आपात बैठक बुलाई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, मैं सुखराज से आ रहा था बाइक से। ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर बेसिन जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर तक जमीन पत्थर उछले। आप धमाका जहाँ हुआ वहाँ से कितनी दूर पे? हम हता आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम, तो एकदम से इंगल आया हुड़का, तो हमारा पेड़ में हम भगता जा रहा और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है ये? होगी 10 बजे। घर के सामने खड़े थे, देख रहे थे, इधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े हैं वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गए। बहुत तेज था सर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक पूरी बिल्डिंग हिल गई। जी, पैर में पत्थर लग गया सर और ये उंगली कट गई। कितनी दूर थे आप? मैं आधा किलोमीटर दूर था सर, मार्केट से घर जा रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मार्केट से घर जा रहा था।